समाजवादी मजदूर सभा वाराणसी के बैनर तले सपा मजदूर सभा से जुड़े सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों की आबादी करोड़ों में आवास एवं प्रवास करती है, जो प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा व मूलभूत सुविधाओं से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं। एनडीए सरकार के 10 वर्ष का कार्यकाल मजदूरों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ। सरकार अपने उद्योगपतियों को खुश करने के लिए श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया। देश व प्रदेश के करोड़ों मजदूरों के हितों को देखते हुए नए श्रम कानून को रद्द किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया। और आज हम लोग वाराणसी डीएम महोदय जी को दे रहे हैं, ये मजदूरों के हित के लिए 15 सूत्रियों की मांग इसमें हम लोगों ने रखा है। और ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे मजदूर समाज आदरणीय धनीलाल शर्मी जी के निर्देश पे ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने का काम सभी मजदूर सभा के जिला अध्यक्षों ने किया है।